हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बनाने वाले हैं पास्ता की रेसिपी, जो कि है बहुत ज्यादा इजी और फटाफट बन जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा टमाटर, जिसे हम अपने छोटे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। फिर ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप। यहाँ पे मैंने मैगी का टोमेटो केचप यूज किया है, अमूल का फ्रेश क्रीम यूज किया है। एंड डॉक्टर ओएटकर का वेज मेयोनीज यूज किया है। आप जितना ज्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं उतनी मेयोनीज यूज कर सकते हैं और उतना क्रीम यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा रेड चिली सॉस, ये हमने टॉप्स का यूज किया है। ऑयल या बटर डालने के साथ में ग्रीस के लिए, ताकि जो हमारा पास्ता है वो चिपके नहीं। पास्ता हमने यहाँ पे बिना मैदे वाला यूज किया है। थोड़ा सा नमक डालने के साथ में अब कुकर को बंद कर कर बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे पास्ता को। और जैसे ही कुकर सीटी मारने लगे, उस गैस ऑफ करके हम कुकर को उतार लेंगे। और उसके बाद कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अमूल बटर। जब ऑयल और अमूल बटर मिक्स होता है तो काफी एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, उसी के लिए हमने किया है। उसके बाद अनियन, ग्रीन चिली और गार्लिक डाल देंगे। और इसको ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक स्टर करेंगे। और जितना भी हमारा प्याज और लहसुन है, उसको अच्छे से हम तेल और बटर में फ्राई कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है प्याज को। और अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 चम्मच यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको अगर जिंजर गार्लिक ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। और जिंजर गार्लिक बहुत अच्छा टेस्ट देता है पास्ता में। और अगर आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करके बनाएंगे ये पास्ता, तो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा पास्ता आपका। अच्छे से स्टर कर लेंगे सब कुछ को। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे टोमेटो पेस्ट, जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था, जिसमें हमने मेयोनीज क्रीम वगैरह डाली थी। इसको हम कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने प्याज और ग्रीन चिली के साथ। हल्का सा गैस तेज करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। अगर आपको मिर्ची ज्यादा पसंद है तो आप और ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे और मैगी मसाला डालेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट इसको प्रोवाइड करेगा। और सब कुछ को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब हम मिक्स कर लेंगे सब कुछ।
इसको तब तक पकाएंगे जब तक साइड से ये तेल ना छोड़ने लगे। जैसे ये तेल छोड़ने लगेगा हमारा मिक्सचर और ऐसे उबाल देने लगेगा, तो हम इसमें अपना पास्ता डालेंगे आगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब कुछ को। और अब हम इसमें डालेंगे अपना जो स्वीट कॉर्न और पास्ता हमने बॉईल किया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा पास्ता है वो हमारी ग्रेवी में डिप हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और पास्ता के अंदर अंदर तक हमारी ग्रेवी का टेस्ट चला जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे सब कुछ को। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सॉरी गैनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स यहाँ पे हम डालेंगे जो पिज्जा के ऊपर यूज करते हैं भाई। सब कुछ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो पूरी ग्रेवी है वो अंदर अंदर तक चले जाए हमारे इस मैक्सिकन पास्ता में। इसको पेनी पास्ता बोलते हैं, एंड आप लोग एक सूजी वाला पास्ता आता है वो ले सकते हैं मैदे वाले के बजाय, ताकि ये हेल्दी भी हो जाए और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करके बनाना, आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। सो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल, और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।